अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुनाफा बनाने की रेसिपी, जो कि है अरेबियन डेजर्ट। खाने में बहुत लजीज है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में सबको पसंद आया, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों के भी घर में सबको पसंद आए। तो चलिए हम रेसिपी देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच शक्कर ली है। हम लोग शक्कर का कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें कुनाफे के साथ बस थोड़े से कैरेमल बाइट्स चाहिए। अब हम शक्कर को आराम से डालते जाएंगे। अब हम लोगों को शक्कर को लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। बस आप लोगों को इसी बात का ध्यान होना चाहिए कि शक्कर आप लोगों की हाई फ्लेम पे ना हो, थोड़ी सी लो फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा हो या फिर थोड़ी सी कम हो, लेकिन हाई फ्लेम पे नहीं हो, वरना शक्कर जल जाएगी। और आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप सब्र रखें और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। अगर आप पानी नहीं मिलाएंगे तो आप शक्कर को देखेंगे कि वो मेल्ट हो रही है कैरेमल में। मिक्स करेंगे, बस मिक्स करते ही रहेंगे, मिक्स। यकीन मानिए, ये सब्र का फल आपका मीठा होने वाला है। लो, हो गया सब्र का फल मीठा। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें आप पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि सिर्फ शक्कर वाला कैरेमल बहुत टेस्टी होता है। आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहिए आप लोग इसमें आपकी चॉइस से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर, क्योंकि ये कैरेमल है तो बटर इम्पॉर्टेंट है और बटर से टेस्ट बेटर आएगा। अगर किसी वजह से आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसमें देसी घी या डालडा भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर बेस्ट है, बटर यानी कि मक्खन। ये मैंने निकाल दिया है बटर पेपर पे। हमने इसे शूट नहीं किया क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी थे, वरना मैं एक हाथ से शूट करती हूँ और एक हाथ से बना देती हूँ। खैर, कुनाफे की सेवैया अलग होती है, पर हम यही यूज़ करेंगे क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होती है। मोस्टली ये सेवैया रोस्टेड आती है, लेकिन अगर ये रोस्टेड आती भी होगी तो आप इसे रोस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट बेटर करती है कुनाफे में। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेवैया निकाल दी है। अब हम इसमें सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर डाल सकते हैं। सॉल्टेड मुझे बेटर लगता है, अब आपकी विश। ये जो फूड कलर है ना, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बटर में मिक्स करके आप लोग डालिएगा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होती। अब हमें कुनाफे का क्रीमी मिक्सचर तैयार करना है, तो इसके लिए अब हमें एक पैन लेना है और इसमें 1 कप दूध डालना है, मतलब 250 ग्राम्स के करीब मिल्क होना चाहिए। और अब हमें इसे अच्छे से उबाल लेना है, और उबाल आ जाएगा तो हम इसमें शक्कर डालेंगे 3-4 स्पून। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, इट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स कि शक्कर अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। आप लोग ध्यान रखिएगा कि शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में, वरना वो बाइट्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो 1/3 दूध में मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर घोल कर रखा हुआ था, और हम इसमें डालने के बाद लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। तो अब हम इसमें 95 ग्राम प्रोसेस्ड चीज़, और हम लोग इसमें क्रीम चीज़ डाल सकते हैं या मोज़रेला चीज़ भी अगर आपको पसंद है तो, लेकिन मैंने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि मुझे वो मोज़रेला चीज़ एकदम चीवी सी लगती है, सो मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल नहीं किया है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग कर सकते हैं। अब हम पैन को बटर से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब हम सेवैया को इसमें बिछा देंगे अच्छे से। हाफ ही सेवैया बिछानी है, अगर आपको ज़्यादा सेवैया पसंद है आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारी बहन हेल्प कर रही है हमारी वो बिछाने में। अगर आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है तो आप क्रीम ज़्यादा डाल सकते हैं। याद रखिएगा कि एकदम मतलब बाहर क्रीम नहीं निकले, वरना वो चिपक जाती है। ऊपर की भी साइड हम लोग सेट करेंगे जैसे नीचे की किए थे। अब हम इसे ओवन में डालेंगे, प्री हीट करेंगे 180 डिग्री पर 5 मिनट्स पर, और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे 15 मिनट्स के लिए। शुगर सिरप के लिए जितना आप पानी यूज़ करेंगे उतनी ही आपको शक्कर यूज़ करना है। थोड़ी सी इलायची डालेंगे, केवड़ा डालेंगे या रोज़ वाटर डालेंगे। यहाँ कुनाफे में ज़्यादा शुगर सिरप इस्तेमाल मत करना, जब आप सर्विंग के लिए देंगे तभी, मतलब वो साथ में सर्व कर देना तो क्रिस्पीनेस अच्छी रहेगी और कुनाफा खाने में मज़ा आएगा। यहाँ मैं कुछ बादाम से डेकोरेट कर रही हूँ ये कुनाफा, और थोड़े से पिस्ते भी है इसके अंदर।
आप लोग खुनाफे को कोई भी ड्राई फ्रूट्स या कैरेमल बाइट्स से डेकोरेट कर सकते हो, इट्स योर विश। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारा खुनाफा तैयार है। तो हमारा खुनाफा बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी। बहुत ही मज़े की बनी है ये रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। कैरेमल बाइट्स बच्चों को बहुत पसंद है, सो हम अब इसे डेकोरेट करेंगे खुनाफे के साथ। आप देख सकते हैं खुनाफा देखने में ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत मज़े का बना है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे।